वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। में अटके और वहीं पर अटके। खैर, अब चलते हैं वाराणसी, जहां बीएचयू उस वक्त बवाल का अखाड़ा बन गया जब पुलिस ने 15 छात्रों को हिरासत में ले लिया। छात्रों के दो गुटों में पत्थरबाजी के बाद कैंपस में पहुंची पुलिस ने एक्शन लिया तो फिर से छात्रों का गुस्सा भड़क गया। देर रात तक यूनिवर्सिटी गेट पर छात्रों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक तस्वीर ये भी है। ऐसा लग रहा है मानो कोई पुलिस छावनी है। बीएचयू की गलियों में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठी चार्ज हुआ, भागम भाग मची। बीएचयू में बवाल की शुरुआत हुई गुरुवार की सुबह, जब आपसी विवाद को लेकर एलबीएस हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एलबीएस छात्रावास को घेर दिया और एलबीएस छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे 15 बाहरी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी के बाद से हंगामा और बढ़ता गया। देखिए कैसे जो भी छात्र पुलिस के सामने पड़ा उस पर खाकी ने लाठी डंडा बरसाया। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने सख्ती से काबू किया। दिन भर हालात बेहद तनावपूर्ण रहे। मिली विश्वविद्यालय प्रशासन तरफ से कि बिरला और उसके एलबीएस के लड़के आपस में काफी मारपीट कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और आज से ये कंट्रोल के बाहर हो रही है, काफी बेकाबू हो रही है। जो आरंभिक स्तर पर पुलिस आई थी उसको ये पथराव कर दिया इन लोगों ने। ऐसी स्थिति में आकर के मालूम चला कि छात्रावास में बाहर के लोग रह रहे हैं काफी संख्या में। उनको जो है वहाँ पर दिखवाया गया कमरों में, तो वही 15-16 लड़के बाहर के मिले हैं जो इस हॉस्टल के इनमेट नहीं है। छतों पर भारी मात्रा में पत्थर पड़े हुए थे और वहीं पर तलाशी ले जा रहे पत्थरों के बीच में एक इलीगल वेपन्स भी मिला वहाँ पे। बीएचयू में दिन में शुरू हुए बवाल का असर रात तक दिखाई दिया, क्योंकि बिरला छात्रावास और एलबीएस छात्रावास के छात्रों के बीच गोरिल्ला युद्ध बीएचयू के मेन गेट पर पहुंच गया। एलबीएस हॉस्टल के छात्र पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज और 15 छात्रों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मेन गेट पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जोरदार नारेबाजी के साथ अपनी आवाज बुलंद की और हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को रिहा करने की मांग भी की। हाथों में तख्तियां और जुबां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जहर बुझे बोल। यूनिवर्सिटी प्रशासन को अब मामले में सीधा दखल देना होगा, वरना छात्रों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। ब्रजेश यादव, वाराणसी आज तक। उत्तराखंड में यमुनोत्री की शीतकालीन यात्रा कल से शुरू हो चुकी है। खरसाली में पूरे विधि विधान से यमुना की आरती उतारी गई। आपको बता दें कि बुधवार को गंगोत्री की शीतकालीन यात्रा भी आरंभ हो चुकी है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही चारधाम तीर्थ के कपाट भी बंद होने शुरू हो चुके हैं। भारी बर्फबारी के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट अक्टूबर में भी अगले 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और अब शीतकालीन चारधाम यात्रा का भी आगाज हो चुका है। उत्तरकाशी जिले में मौजूद खरसाली में यमुना की आरती के साथ ही यहां भी शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई। अगले 6 महीने तक यमुना की पूजा अब खरसाली यानी सूखी मठ में ही होगी। पूरे विधि विधान के साथ चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई ने इसका शुभारंभ किया। खरसाली में यमुना स्नान के साथ ही यमुना दर्शन, शनि देव के दर्शन भक्त एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। इससे पहले बुधवार को शीतकालीन यात्रा की प्रथम शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई। अब खुशी मठ के खरसाली मंदिर में यमुना की पूजा की शुरुआत हो गई। इसके बाद उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में, केदारनाथ और जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ की प्रतीक मूर्तियों की
शीतकालीन पूजा शुरू होगी। सर्दियों के दौरान चार धाम में भारी बर्फबारी होती है, लिहाजा उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2014 में शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। सरकार के इस फैसले से अब कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु अपने ईश्वर की पूजा यहां आकर कर सकते हैं। उत्तरकाशी में खरसाली से ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। जैसलमेर के रेगिस्तान में भारतीय सेना का दमखम देखने को मिल रहा है। सेना अपनी तैयारियों को परखने और उसे और धार देने के लिए गुरुवार से थार के रेगिस्तान में ऑपरेशन सुदर्शन शक्ति शुरू कर दी, जिसमें सेना भारी भरकम हथियारों से युद्ध अभ्यास करने में जुटी है। सेना टैंकों के जरिए अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।